जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSBC ट्रेड्समैन का जो है फ्रेंड्स ट्रेड्स टेस्ट के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हाँ तो मेरे दोस्त HSBC ट्रेड्समैन का फाइनल रिजल्ट तो आ गया है, आप लोग फाइनल रिजल्ट तो देख चुके होंगे, बट यहाँ पर आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हो सकता है डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है। काफ़ी लोगों का डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर के कि डॉक्यूमेंट वहाँ पर कौन कौन से चेक किए जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेकर के जाना है। तो आज की वीडियो में आप सभी को ये चीज़ें हम क्लियर कर देंगे एंड इसके साथ में ये भी बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि ट्रेड टेस्ट में कितने कैंडिडेट एक सीट पे बुलाए गए हैं, इसके अलावा आप सभी को कितने मार्क्स का वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो मेरे दोस्त आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड फाइनली यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, क्योंकि HSBC ट्रेड्समैन का बहुत ही जल्द पूरे रिक्रूटमेंट क्लियर होने वाला है, ठीक है। फाइनली आप सभी को ज्वाइनिंग भी कर लिए जाएंगे, यानी कि 2023 के लास्ट तक यानी दिसंबर तक फाइनली आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे। बट हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे आप लोग आएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर चुका है, आप लोग यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फाइनली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग देखेंगे कि ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अहिया के लिए, बार्बर के लिए, कारपेंटर के लिए, कॉबलर, गार्डनर, पेंटर, प्लम्बर, टेलर, वेटनरी, वाशरमैन, वेटर, सफाई वाला, कुकिंग एंड वाटर कैरियर इन HSBC विल बी हेल्ड फ्रॉम द 26/8/2023, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को एडमिट कार्ड यदि डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कॉमेंट सेशन में कॉमेंट कीजिए, हम फाइनली आप सभी को हम बता देंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा, इसके अलावा यहां पे पासवर्ड फिल करना होगा और कैप्चा यहां पे फिल करके फाइनली आप लोग यहां पे जो है लॉगिन करेंगे, फाइनली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको पासवर्ड मालूम नहीं है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो फाइनली आप सभी को जो है न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन भी भूल गए हैं तो आप सभी को कोई भी यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन भी आप लोग कर सकते हैं, आप अपना नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फाइनली आप लोग को फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त के डॉक्यूमेंट आप सभी को यहां पे कौन कौन लगने वाला है। तो फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड किए हैं वो आप सभी को लेकर के जाना होगा। यदि आप सभी को हम बता दें कि 10वीं में आप सभी को जितना भी सर्टिफिकेट होता है, 6 सर्टिफिकेट वो टोटल आप सभी को लेकर के जाना होगा, क्योंकि वहां पर वो लोग कौन से डॉक्यूमेंट मांग देंगे कोई ठीक नहीं है। वैसे तो डॉक्यूमेंट में केवल और केवल चेक किया जाता है आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट और प्रोविजनल, बस इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं देखा जा सकता है, कहीं कहीं भी एडमिट कार्ड वो लोग मांग सकते हैं। तो आप सभी को टोटल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जो कि 10वीं लेवल के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं और आप सभी को 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, तो आप अपना मार्कशीट ले लेंगे, एडमिट कार्ड ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और इसके अलावा आप सभी को प्रोविजनल ले लेंगे और SLC होता है जिसको SLC के हम बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, वो ले लेंगे। इसके अलावा आप सभी को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ले लेना है जो कि 3 साल पर एक मिलता है सर्टिफिकेट, वो मूल प्रमाण पत्र उसको बोला जाता है, वो ले लेंगे। यदि आप 10वीं लेवल पे फॉर्म को अप्लाई किए हैं और उसके साथ में यदि 10+2 का भी ऐड किए हैं तो 10+2 का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आप सभी को लेकर के जाना होगा। और जो भी मेरे भाई OBC कैंडिडेट हैं वो लोग अपना OBC सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वाले भी ले लेंगे और फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी अपलोड किए होंगे OBC वो ले लेंगे, ठीक है, लेटेस्ट का ले जाएंगे सही रहेगा, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है नहीं चलता है OBC। इसके अलावा जो भी भाई मेरे SC ST कैंडिडेट है वो लोग भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, और जनरल वालों के लिए तो यहां पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट के अलावा फ्रेंड्स जो है सर्टिफिकेट के अलावा फ्रेंड्स आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आप सभी को 2-2 जीरक्स ले लेना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए वहाँ पे वो लोग माप बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को जो है 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया। इसके अलावा आप सभी को IT प्रूफ में जो भी आप लोग लगा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपके पास हो ID प्रूफ वो आप सभी साथ में लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर लगेंगे, हो सकता है कि किसी किसी सेंटर पे वो लोग जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि SP के द्वारा अथॉरिटी, ठीक है, SP के द्वारा वो जो है फ्रेंड्स निर्गत किया जाता है, तो यदि आपके पास है तो बेटर है, नहीं भी है तो चल जाएगा,
जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जब हो जाता है तो जो फाइनल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आप सभी को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ता है। इसके अलावा आप सभी को इधर कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी भाई लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है फाइनली आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो एक स्टेप बाई स्टेप ला देंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं एक सीट पर, ठीक है, एक सीट पर कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है फ्रेंड्स काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोग को यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि पर पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 20 टाइम्स द स्टूडेंट ऑफ द वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी आप सभी को हम बता दें कि एक पोस्ट पे यहाँ पे 20 कैंडिडेट को ये लोग कॉल दिए हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फाइनली आप लोग समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है और यहाँ पे कितना फाइट होने वाला है, यानी कि एक पोस्ट पे 20 कैंडिडेट के ये लोग जो है कॉल किए हैं ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे, ट्रेड टेस्ट में लग जाइए और जो है काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप अपना जो है जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं आप अपना वहाँ से जो है सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। इसके अलावा आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन एंड वर्क रिलेटेड टू द ट्रेड फॉर विच यू हैव अप्लाई, ठीक है, जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसमें आप सभी को ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए 50 मार्क्स का यहाँ पे आप सभी को ट्रेड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स आप सभी को हम बता दें कि 60% मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द ट्रेड स्किल टेस्ट, यानी कि आप सभी को हम फ्रेंड्स बता दें कि कितना मार्क्स भी आप सभी को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा 60 मार्क्स पे, जो भी कैंडिडेट 60 मार्क्स लाएंगे उन लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा स्किल टेस्ट एंड ट्रेड में। इसके अलावा यहाँ पे वो लोग फेल हो जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स में से आप सभी को कितना लाना है मेरे दोस्त, तो फाइनली आप लोग समझ। तो फ्रेंड्स आप सभी को 50 में से 30 नंबर लाएंगे तो फाइनली यहाँ पे आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। तो मेरे दोस्त इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।